वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि पीएलसी से रिलेटेड वीडियोस का आप लोगों का डिमांड था, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में जो वीडियोस लेकर के आया हूँ, सीमेंस की पीएलसी का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि हम सीमेंस का किसी भी पीएलसी को, किसी भी मोटर का पीएलसी है उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरा कोई वीडियो आता हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीसी में सीमेंस के कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है TIA पोर्टल V1.3 एंड दूसरा जो है TIA पोर्टल 1.51। तो मैं अभी TIA पोर्टल V1.3 जो है इस पे करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ TIA पोर्टल जो है ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो इसमें हमें कुछ सिलेक्शंस करने हैं। सिलेक्शन करने के साथ साथ में हमें हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो बिल्कुल चलिए दोस्तों देखिए, अब ये मेरा ये स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो इस स्क्रीन पे जो है मुझे कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नंबर हमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जैसा कि बिल्कुल स्क्रीन पर कि यहाँ पे जो हमारा है ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में भी जाता हूँ। मैं क्लिक किया, मैंने अब क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं प्रोजेक्ट नेम। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट नेम देना है, जैसे कि सपोज मुझे बॉयलर का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर देता हूँ अपना बॉयलर। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा कॉलम आता है पाथ। पाथ का मतलब होता है कि आपका जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम आपका सेव कहाँ पे होगा, तो वो वहाँ पे हो जाएगा। और ये ऑथर जो है, ये मेरा नाम है इमरान, तो वो ऑथर आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते के साथ में ये देखिए, ये क्रिएटिंग चालू हो गई है। अब ये बॉयलर के नाम से जो है प्रोग्राम क्रिएट होने लगा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिएट होने में। ये हो गया क्रिएट। अब क्रिएट के बाद एक नया विंडो हमारा खुल करके आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस आ रहा है, राइट पीएलसी प्रोग्राम अगर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन एचएमआई स्क्रीन आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम देखते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हार्डवेयर के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस में जाना है, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे हम इसमें। हम जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे अब देख रहा होगा आपको, यहाँ पे सो ऑल डिवाइस आ रहा है, ऐड द न्यू डिवाइस आ रहा है। तो हमें ऐड द न्यू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे ऐड द न्यू डिवाइस क्लिक किया, तो यहाँ पे सीमेंस से रिलेटेड जितने भी डिवाइस हैं, साइमेटिक S7 1200 1500 300 400 एंड 8200 CPU, सीमेंस से रिलेटेड जितने भी PLC हैं वो सारे के सारे PLC आ गए दोस्तों। आपको अगर आपके पास में S7 1200 है, S7 1500 है, 300 है, 400 है, या 8200 CPU, जो भी CPU है वहाँ पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं समझने के लिए S7 1500 को कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। S7 1500 को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे आकर के इसको क्लिक करना है। CPU पे क्लिक किया मैंने। अब CPU पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो भी हमारे पास जो भी आर्टिकल है, जो भी PLC होगा, PLC के ऊपर में आर्टिकल लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल नंबर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो वैसे ही S7 300 है, 400 अब यहाँ पे ET 200 है, ET 200 पे भी क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ET 200 के अंदर में जो है कई सारे CPU आते हैं दोस्तों, तो मैं इसका ET 200 का SP2 CPU को ले मैं लेता हूँ, या ET 200 का SCPU लेता हूँ। ET 200 का CPU लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास जो PLC है वो PLC कौन सा है, IM1517 है या कौन सा है। तो जो मेरे पास में अभी PLC है वो है IM1518
PNDP CPU है, मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आ गया हमारा PLC का जो है, PLC पे आप देखेंगे ये लिखा होगा, PLC पे ऑलरेडी मेंशन होगा, तो आप इसमें चेक करेंगे आपके PLC में क्या लिखा हुआ। मेरे PLC में जो लिखा हुआ है 6E7151 8ABM पे क्लिक करेंगे हम। इस पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, जैसे ये क्लिक किया ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होकर के आ गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा वर्जन कौन सा है, हमें वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो आर्टिकल नंबर है वो आर्टिकल नंबर आपके जो है वो ऑलरेडी PLC पे लिखा होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे जो है जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वेट करना है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक नया विंडो बिल्कुल ओपन होकर के आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो देखना है कि हमें ये तो आपका जो है CPU हो गया ये पहला जो है, और ये आपका जो है IO मॉड्यूल हो गया सारे के सारे। तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है कि आपको IO मॉड्यूल में यहाँ पे कौन सा लेना है, चैनल नंबर 4 पे कौन सा आपको लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है चैनल नंबर 4 पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको AI लेना है, AO लेना है, जो भी लेना है, AI का 2 बार 4 बार जो भी लेना है वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और जो भी आपका मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये दोस्तों, ये यहाँ पर कार्ड यहाँ पर सिलेक्शन होकर के आ गया है AI का। अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम दूसरे नंबर पर हम AO का कार्ड लेते हैं जो हमें लेना है। AO के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कार्ड के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये जो आपका आइटम नंबर है, ये आइटम नंबर के ऊपर सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे ये भी AO कार्ड आ गया। अब हमें यहाँ पे लेना है एक DI एक DO लेना है, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर पे जो है यहाँ पे DI कार्ड ले रहा हूँ। DI का जो भी कार्ड आपके पास में, ये मैंने एक कार्ड सेलेक्ट किया है और ये कार्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है। 7 नंबर पे भी मैं जो है DO कार्ड में लेता हूँ। दोस्तों ये जो है आपको आपका कार्ड जो भी आपके पास कार्ड होगा वो कार्ड पे ऑलरेडी डिफाइन होता है। ये जो नंबर दिख रहा है आपको ये वाला जो है ये ऑलरेडी कार्ड पे डिफाइन होता है ये नंबर, तो आपको कार्ड पे देख लेना कि आपका कौन सा कार्ड किस नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब दोस्तों जैसा कि ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम इसको क्या करेंगे, सेव प्रोजेक्ट कर देंगे। मैंने ये सेव प्रोजेक्ट कर दिया है दोस्तों, तो ये मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब अपना आ जाता है कि जो भी हार्डवेयर हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है उसको हमें IOs कौन कौन सा देना है, कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों आपको जो है मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो नेक्स्ट मेरा वीडियोज आएगा उसमें मैं आपको अकॉर्डिंग टू चैनल वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें IOs डिफाइन करना है और कैसे कैसे हमें इन सारी चीज़ों को ये करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप जो सीखा है वो सीखा है हार्डवेयर को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर मेरी कोई भी इस तरह की वीडियोज़ आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, थैंक यू।